दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में राजा वैश्य और महर्षि मेधा इनकी कथा है। जब राजा और वैश्य महर्षि के आश्रम में चर्चा करते हैं तो राजा को पता चलता है कि वैश्य भी दुखी है और मैं भी अपना राज्य हार जाने के कारण दुखी हूँ। तो महर्षि के पास जाकर पूछते हैं कि क्या कारण है कि इसको इसके बाल बच्चों ने घर से निकाल दिया, मैं अपना राजपाट हार गया और हम दोनों दुखी हैं, तो सुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है संसार में और किस प्रकार यह संसार दुखदायी है। तो मेधा ऋषि ने उस समय भगवती योग माया का वर्णन किया उनके सामने कि किस प्रकार योग माया अनेक अनेक प्रकार से लोगों को अपने माया के वशीभूत करती हैं और उसी कारण लोग सुख दुख की प्राप्ति करते हैं। यहाँ तक कि एक बार योग माया ने स्वयं भगवान विष्णु को ही निद्रा के वशीभूत कर दिया और उस समय भगवान विष्णु के कानों से मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए और वो दोनों दैत्य भगवान विष्णु के नाभि कमल में जो ब्रह्मा जी विराजमान थे, बैठे हुए थे, उनको समाप्त करने के लिए तैयार हुए। तो उस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा ने देवी के योग माया के स्वरूप की स्तुति की। उस स्तुति को हम रात्रि सूक्त के नाम से जानते हैं। आइए उस रात्रि सूक्त का श्रवण करें। अथ रात्रि सूक्तम। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वय्यत् धार्यते विश्वं त्वय्यत् सृज्यते जगत् त्वय्यत् पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मयि महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भगवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं हृस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखनी चापनी बाण भुषुंडी परिधायुघा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्किंचित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पत्याति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतु महेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देव संस्तुता मोहायैतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरो इति रात्रि सूक्तम्। जय माता।